हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम करने वाले हैं महिंद्रा बोलेरो पिकअप के रिव्यू। ये है 2016 मॉडल का महिंद्रा पिकअप FB। महिंद्रा पिकअप में तीन प्रकार के पिकअप आते हैं, एक मैक्सी ट्रक आता है, एक बोलेरो पिकअप FB आता है और एक बोलेरो पिकअप FB एक्स्ट्रा लॉन्ग आता है। ये मिड सेगमेंट वाला है। बोलेरो पिकअप FB 2016 मॉडल का है। ये पिकअप DI इंजन में है। जो मैक्सी ट्रक होता है वो 7 फुट का आता है, ये FB है, ये 8 फुट का आता है और जो एक्स्ट्रा लॉन्ग होता है वो 9 फुट का आता है। ये पीछे का जो बॉडी होता है लोड कैरी करने के लिए, वो सब में अलग अलग फुट के आते हैं और इंजन भी उस टाइप के डिफॉल्ट के अलग अलग आते हैं। और ये है इसका पीछे का बॉडी। ये देखिए इसके अंदर की तरह से, ये देखिए कुछ इस तरह का अंदर का पिकअप का होता है बॉडी। ये कंपनी से हाफ बॉडी आता है। ये जो जहाँ तक ये पट्टी हो रही है वो रखी है वहाँ तक ही आती है। ऊपर का हमें आफ्टर मार्केट बॉडी बनवाना पड़ता है, कोई भी बॉडी मेकर वो उसको बना के दे देता है। ये जहाँ तक आड़ी पट्टियाँ होती है वहाँ तक कंपनी की आती है। ये है बोलेरो का पिकअप। कुछ इस तरह से दिखता है आगे का ये शो। और ये देखिए ये बोलेरो पिकअप FB की बैजिंग, नीचे माइक्रो हाइब्रिड लिखा हुआ है। माइक्रो हाइब्रिड का इंजन आता है महिंद्रा का, माइक्रो हाइब्रिड। ये पावर स्टीयरिंग आता है, तो पावर स्टीयरिंग, इसमें नॉन पावर स्टीयरिंग का भी ऑप्शन होता है। और ये देखिए इसका डोर सिंपल है, मैनुअल विंडो, ये हैंडल दरवाज़ा खोलने के लिए और ये लॉक द डोर ओपन करने के लिए। कुछ इस तरह से दिखता है इसका कैबिन अंदर से। और ये इसकी हैंड ब्रेक है, ये बाद साइड सीट के साइड में दी जाती है। और ये इसके तीन एक्सीलेटर ब्रेक और क्लच के पैडल। और कुछ इस तरह से दिखता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एकदम सिंपल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। 140 की टॉप स्पीड है, 140 की टॉप स्पीड। ये बाद फ्यूल गेज है और ये इसमें ब्लूटूथ वाला टैप है। ये इसमें ग्लोव बॉक्स दिया जाता है छोटा, ये ग्लोव बॉक्स है। और ये क्रैब हैंडल है को पैसेंजर को पकड़ के बैठने के लिए। ये साइड का डोर सेम, दोनों डोर्स एक ही तरह के दिखते हैं। और ये पीछे एक का ग्लास दिया जाता है पीछे देखने के लिए, पीछे बॉडी में। और ये लाइट, कैबिन लाइट। और ये इसका फ्यूल टैंक, ये स्पेयर व्हील रखने के लिए का स्टैंड है, फिलहाल इसमें स्पेयर व्हील नहीं है। और ये है इसका इंजन, माइक्रो हाइब्रिड डीजल इंजन आता है, इनलाइन 4 सिलेंडर आता है। और ये DI इंजन है जिसका पंप है, सेंसर इंजन में इसकी जगह पंप नहीं आता, उसकी जगह सेंसर लगे हुए होते हैं। और ये DI इंजन है इसलिए इसमें पंप है। इस तरह से दिखता है इसका इंजन। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब